दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी अपने एलजी से संबंधित और दिल्ली सरकार के रिश्तों को अधिकारों को लेकर के। ये पत्र सच में देखें तो न्यायिक व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का, साथ साथ प्रशासकीय और उन सारी व्यवस्थाओं का जो विधान संविधान ने प्रदत्त की है जिससे देश और स्टेट चलता है, उसका सीधा सीधा उस पर आघात है ये पत्र। और उस पत्र के बाद जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी हुई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार संवैधानिक ढंग से चलना ही नहीं चाहती, हमेशा उसको चोट पहुंचा रही है, इसके बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं रह जाता है। अब ये लोग हड़बड़ी में ये भी सूचना मिली है कि ये उस पत्र को वापस लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं। हालांकि न्यायालय इस पे क्या डिसीजन लेगा ये माननीय न्यायालय के उसमें है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को आघात पहुँचाया गया है उस पर मैं जरूर ये मांग करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप अपने विधानसभा अध्यक्ष जी के इस व्यवहार को तुरंत समीक्षा करें और उनको अपने पद पे बने रहना उचित नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं के बीच जो एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत से आए और प्रचंड बहुमत से आके सरकार कल्याण के कार्य करती है, लेकिन ये हमेशा दूसरों की आवाज़ बंद करने के लिए अपने प्रचंड बहुमत का उपयोग कर रहे हैं। लगभग तीन साल से सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं दिल्ली की, और जहां जब देखिए एक इलीगल तरीके से कोई ना कोई रास्ता शुरू कर देते हैं जिसपे सिर्फ झगड़े होते हैं। इनका तीन साल सिर्फ एलजी संस्था से झगड़ा करने में बीत गया, दिल्ली का कोई विकास नहीं हो रहा, सब ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में इस पत्र पे माननीय न्यायालय की टिप्पणी